सत्या राम राम एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो अभी मैं हूँ कुल्लू में, कुल्लू बस स्टॉप पे। ये नया बना है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ पर पिछले 2 घंटे से हूँ, मैं एक मूवी देख रहा था बैठ के इधर ही। एक्चुअली मैं आज हमें दशहरे का जो इवेंट होना है कुल्लू में, वो मुझे देखने जाना है और उसका व्लॉग बनाने, उसकी फ़ोटोग्राफी करने के लिए। तो मैं बहुत पहले आ गया था यान के घर से। यान मेरा दोस्त जिसका घर कुल्लू में है, मैं कल रात वहाँ रुका था। ओके, सारी कहानी में बता दे रहा हूँ पहले से। तो यहाँ क्लॉक रूम है, इधर मैंने क्लॉक रूम में अपना बैग रख दिया है। अब मैं सिर्फ कैमरा लेके जा रहा हूँ। और ढालपुर मैदान यहाँ से नज़दीक ही है, पहले हम सुल्तानपुर जाएंगे, वहाँ से फिर ढालपुर मैदान जाएंगे, जहाँ पे ये मेन इवेंट दशहरे वाला होना है। चलिए, कुल्लू के जो इंटरनेशनल दशहरा फेस्टिवल है उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको आज दिखाऊँगा, अगर मैं देख पाया तो। ओके, चलो जी। अच्छा, दशहरे का जो मेन फेस्टिवल है, देखो दो तरीके से होता है। एक यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है सुल्तानपुर में, जो कुल्लू बस स्टैंड से पास में ही है, मतलब 500-600 मीटर होगा आई गेस। तो सबसे पहले जो पूरे हिमाचल प्रदेश के देवी देवता हैं वो यहाँ पे आते हैं सुल्तानपुर। उनकी मतलब एक हिसाब से अटेंडेंस लगती है, हाजिरी लगती है। उसके बाद वहाँ से सारे लोग उठ के, सारी पालकियाँ जो हैं, जो देवी देवताओं के अलग अलग जगहों से पालकियाँ आती हैं, वो उठ के वहाँ से जाते हैं ढालपुर मैदान। और वहाँ से साथ में रघुनाथ जी भी, उस मतलब उनकी भी पालकी वहीं से चलती है। ये है कुल्लू सिटी, उसके नीचे जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये वाली, ये कुल्लू बस स्टैंड है। और उसके पीछे ये रोड जो पतला सा ऊपर जा रहा है, ये रघुनाथ जी के मंदिर की तरफ जा रहा है, जिस पर मैं चल रहा हूँ। थोड़ी सी चढ़ाई है, जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर अलग अलग जगहों की पालकियाँ आती हैं। देखो पूरी लाइन लग रखी है। यहाँ पे आपको अलग अलग जगहों से आए हुए देवी देवताओं की पालकियाँ दिखेंगी। जैसे मेरे तरफ, मेरे इस साइड एक तरफ यहाँ पे है और एक पूजा चल रही है जो वो अंदर है। तो ऐसे ही अलग अलग, मतलब कुछ 250 पालकियाँ आनी है, मतलब 300 कुछ पालकियों को आने का निमंत्रण यहाँ के प्रशासन ने दिया है इस दशहरे के उत्सव को मनाने में भाग लेने के लिए। उसमें से अंदाज़ा है कि 250 पालकियाँ आएंगी, और उसमें से सुबह से आना शुरू हो गया। और ये सेम प्रक्रिया, सेम प्रोसेस लगभग 2-3 घंटे तक अभी चलना है, अलग अलग जगहों की पालकियाँ। सोचो कि 250 पालकियाँ यहाँ पर आएंगी, फिर यहाँ से उठ के जाएंगी, तो इन सब में लंबा टाइम लगेगा, 4-5-6 घंटे लग जाते हैं। तो सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था और अभी 12 बज रहे हैं, 3 घंटा ऑलरेडी हो चुका है और 3 घंटे और होने हैं। अभी 3 बजे तक ये प्रोसेस चलेगा और 3 बजे के बाद से मेन रघुनाथ जी की जो यहाँ पे पालकी है, यहाँ के जो मेन अधिष्ठाता है, तो इनकी पालकी निकलेगी, तब वो जाके ढालपुर मैदान में जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि पालकियों का एक रेला सा रहेगा, जैसे दो ये पालकियाँ जा रही हैं और एक पालकी ये अंदर जा रही है पूजा के लिए, और 3 पालकियाँ देखो लाइन अप है बाहर आने के लिए। एक जैसे राज दरबार होता है कुछ वैसा इसको देख के फील आता है, क्योंकि इनको कुल्लू का राजा भी कहा जाता है। Thank you.
काफ़ी देर से, मतलब मैं लगभग 2 घंटे से यहाँ पे हूँ, और जो तस्वीरें मैंने जो वीडियो आपको दिखाया, आपको देखा ही होगा, काफ़ी सेलिब्रेशन वाला माहौल रहता है, काफ़ी उत्सव जैसा माहौल रहता है। और एक चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे ये जो मंदिर है रघुनाथ जी मंदिर, ये कुल्लू शाही परिवार के अंदर आता है, मतलब उनकी प्रॉपर्टी है शाही परिवार, कुल्लू का जो शाही परिवार है, और क्या नाम है मैं नाम स्किप कर रहा हूँ अभी, वो यहाँ के लोकल लीडर भी हैं, यहाँ से MLA भी रहे हैं, जो अभी महेश्वर सिंह नाम है उनका, तो यहाँ पे वो MLA भी रहे हैं, मे बी ये BJP से हैं अभी, तो उनकी भी एक पालकी भी निकलेगी जो रघुनाथ जी की है, वो सबसे बड़ी प्रोमिनेंट पालकी होगी। और मैंने आपको दिखाया होगा कि कुछ राजशाही जैसे कपड़े पहन रखे हैं लोगों, मतलब फुल एकदम राजा वाला, जैसे जयपुर के राजघराने के राजा लोग पहनते हैं, वैसे ही यहाँ पे उन्होंने पहन रखा है। तो जो रघुनाथ जी की मेन पालकी थी वो यहाँ से निकलती है, यहाँ अलग ही धूमधाम जा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग पुलिस के भी काफ़ी जवान, अलग अलग बटालियन टाइप कुछ है, मतलब स्पेशल फोर्स है, वो स्पेशल विंग होगा कोई पुलिस का, हिमाचल प्रदेश पुलिस का, यहाँ पे वो लोग भी मार्च पास्ट करेंगे। मेन मार्केट से होते हुए ढालपुर मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पूरा पूरी जो गली है वो पूरा भरा हुआ है, मार्केट का टाइम थोड़ा सकरा रहता है, और लोग यहाँ खड़े हैं अपने घरों के बाहर, बहुत सारे लोग फूल उल लेके भी खड़े हैं, तो जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी तो इसके ऊपर फूल बारिश करेंगे। अब हम जाकर ढालपुर मैदान में पहुंच गए हैं, बहुत बड़ा सा मैदान है, और मोदी जी भी आ गए, देखो मोदी जी आ गए हैं, मोदी जी तुरंत पहुंच गए हैं।
और ये अपार जनसैलाब के बीच से सारे रथ एक एक करके एक एक पालकियाँ चल रही हैं और ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है। इधर मोदी जी भी आए, वो तो शायद चले गए, मेरा फोकस इधर तक आता तो मैंने देखा कि शायद चले गए। जो ये बड़ी वाली ये बड़ा वाला जो रथ दिख रहा है जो चला वो मेन है कि रघुनाथ जी विराजमान है जो कि कुल्लू का अधिष्ठाता माने जाते हैं। और ये सम्मेलन ये महापर्व धीरे धीरे समाप्ति की हो रहे हैं। अब ये 7 दिन तक उसको आगे ले जाकर रखेंगे, सारे रथों को सारे पालकियों को 7 दिन तक वहीं रहेंगे, उसके बाद जो है 7 दिन के बाद इसको समापन किया जाएगा। ओके गाइस, तो अब ये इवेंट यहाँ पे समाप्त हो रहा है और ये ब्लॉग भी यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जो विजुअल्स मैंने शूट किए हैं वो शायद अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को अगर शेयर करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, पर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार, ग्रो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, चलो फिर से मिलते हैं एक नए सफर पे, एक नई जगह पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए